Good morning, भाभी. Good morning, अभी भाई. Good morning. Good morning. क्या भाभी, नाश्ता नहीं कर रही हैं आप? चाय पी रही हूँ मैं. मैं आपको जैम और स्लाइस लगा के दे रही हूँ, ये खाएं. नहीं कुलसुम, मैंने तुम्हें मना किया है ना, मुझे भूख नहीं है. क्यों भूख नहीं है? चेहरा देखें अपना, मुरझाया हुआ. क्या है, खाएंगी नहीं तो जिंदा कैसे रहेंगी? कबीर भाई बोले ना इन्हें. हाँ भाभी, ठीक तो कह रही है, खा लेना, इतने प्यार से दे रही है. अच्छा भाई, दो. थैंक यू. अच्छा कबीर भाई, गाड़ी भिजवा दीजिएगा आज. क्यों, कहाँ जाना है? साधे भाभी को आज शॉपिंग पे लेके जा रहा हूँ. मुझे कहीं नहीं जाना. भाभी चली जाइएगा, दिल बहल जाएगा. अच्छा भाभी, ये कुछ चेक्स थे, इन पे आपके साइन चाहिए थे, बहुत ज़रूरी पेमेंट्स हैं. गुड मॉर्निंग बच्चों. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. तुम रेडी हो कबीर? जी. चले. कबीर भाई गाड़ी याद है मुझे, भिजवा दूंगा. ओके, खुदा हाफिज. खुदा हाफिज. कुलसुम, मैंने तुम्हें मना भी किया था, फिर भी तुमने गाड़ी का कह दिया. क्या भाभी, इतना अरसा हो गया, आपने घर से बाहर कदम तक नहीं रखा है. क्या यूं घुट घुट के मरना जरूरी है क्या? बस मैं कुछ नहीं जानती, हम आज जाएंगे और खूब सारी शॉपिंग करेंगे. कुछ नहीं चाहिए मुझे, कहीं नहीं जाना है. क्यों नहीं जाना? अकबर भाई को गुजरे हुए 1 साल हो चुका है, हम सब नॉर्मल हो चुके हैं, मगर आप क्यों कर रही है अपने साथ ऐसा? मैंने तुम्हें कितनी बार बताया है, मेरी तमाम खुशियां अकबर के साथ ही दफन हो चुकी है. मुझे बस अब उनकी यादों के सहारे जी. भाभी वो भाई थे मेरे, मुझे भी उनकी याद आती है, मगर आपकी ये हालत देखकर भाई का गम छोटा लगने लगता है. खुदा का वास्ता है भाभी अपनी जिंदगी में लौट आए, मरने वालों के साथ मरा तो नहीं जाता ना. भाभी भाभी भाभी, क्या भाभी अभी तक तैयार नहीं है? ड्राइवर आने वाला होगा. तुम अकेली चली जाओ. मैं अकेली चली जाऊं? और अगर वो ड्राइवर मुझे भगा के ले गया फिर? बोले मुस्कुराए, मुस्कुराए, हंस भी दी. गुड, चले उठे, अब तैयार हो जाए. लेकिन कुसुम. लेकिन लेकिन कुछ नहीं, चले उठे. आपको मेरी कसम भाभी, प्लीज भाभी, प्लीज कुसुम, प्लीज 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 प्लीज. अच्छा बाबा, होती हूँ यार. ये मेरी भाभी. भाभी ओ मेरी भाभी, तुम जियो हजारों साल भैया हमारा तुम्हारा. भाभी भाभी, आई एम सो सॉरी भाभी, आई एम रियली सॉरी. अब भाभी प्लीज प्लीज रो नहीं, भाभी प्लीज, भाभी रोना नहीं है प्लीज. आप बस जल्दी से तैयार हो जाएं, मैं बाहर वेट कर रही हूँ, ठीक है? भाभी भाभी आ जाए. आ गई. ओ, बड़ी प्यारी लग रही हैं आप. यू लुक ब्यूटीफुल. ऐसी रोज तैयार हुआ कीजिए ना. चलो. हाँ चलो.
आप कौन है? जी मैं इमरान हूँ। तो वो कहाँ है? वो कौन, अब्बा? नहीं, फजलू बाबा। हाँ जी अब्बा घर पर हैं। मैं अब्बा नहीं, फजलू बाबा की बात कर रही हूँ। हाँ जी मेरे घर पर हैं। वो तुम्हारे घर पे क्या कर रहे हैं? क्योंकि जी वो अब रिटायर हो चुके हैं और वो अब काम नहीं करेंगे। कौन रिटायर हो चुके हैं? अब्बा। उफो, मैं फजलू बाबा का पूछ रही हूँ। वो मेरे घर पर है। मैं सर फाड़ दूंगी। किसका? अब्बा का? तुम्हारा। क्यों बीबी जी? मैं तुमसे फजलू बाबा का पूछ रही हूँ और तुम अपने अब्बा का बताए जा रहे हो। यही गुजारिश तो की है कि अब वो काम नहीं करते। कौन? फजलू बाबा। हाँ तो वो आए क्यों नहीं? क्योंकि वो रिटायर हो चुके हैं। अहमक, मैं तुम्हारे अब्बा का नहीं फजलू बाबा का पूछ रही हूँ। शुक्र आप हंसी तो, but this is no matter for fun. लेकिन फजलू बाबा और इनके अब्बा एक ही तो है जी। तो सीधी तरह बोलो ना ये बात। सीधी तरह ही अर्ज कर रहा था लेकिन आपको समझ नहीं आ रही थी। अच्छा अच्छा, सलाम कह देना उनको। किसको? अब्बा को के? तुम्हें सादिया से शादी करनी होगी। ये क्या कह रहे हैं भजिया? अकबर जो अपनी जायदाद और कारोबार का 50% शेयर सादिया के नाम कर गया, उसे वापस लेने का सिर्फ यही तरीका है कि। लेकिन मैंने कभी सादिया को इस नजर से नहीं देखा। तो अब देख लो, रोज रोज उससे चेक पर साइन करवाना, कागजात पर साइन करवाना, ये सब कुछ मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गया। लेकिन अब भजिए हमें इसका बहुत फायदा हो रहा है। 50% ही हो रहा है ना, आधे की तो वो मालिक है। मुझे 100% प्रॉफिट चाहिए, 100%। ठीक है, मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए। जितना चाहे वक्त ले लो, लेकिन जवाब सिर्फ हाँ में होना चाहिए, क्योंकि सादिया से कारोबार और बैंक बैलेंस वापस लेने के लिए मैं कुछ भी कर सकता, कुछ भी, समझे तुम? कितना पढ़े लिखे हो? ना जी मैं बीए पास। बीए? तो फिर ड्राइवर की नौकरी क्यों की? पॉवर्टी हैज नो शेम, जब घर का बोझ उठाना हो तो शचरा नहीं चलता। शादीशुदा हो? अभी तक तो नहीं। गुड। क्या मतलब? कुछ नहीं, सीधा गाड़ी चलाओ। वही चला रहा हूँ। तौबा है, मैं तो पहले ही समझ गई थी कि तुम दोनों एक ही शख्स की बात कर रहे हो। वाह, और मुझे देखो, मैं भी कितनी बेवकूफ हूँ, मुझे पता ही नहीं चला। वैसे बंदा दिलचस्प है, मासूम सा, भोला भाला, और क्या भाभी बोले ना? नहीं और कुछ नहीं। भाभी, इस मुस्कुराहट को दबाने की कोशिश ना करें, इसके पीछे छुपी ख्वाहिश ही तो आपकी असल खुशी है। कौन सी ख्वाहिश? खाए मेरी सर की कसम कि इमरान को देखते ही आपका दिल नहीं धड़का था। खाए ना भाभी। क्या कर रहे कसम? अरे खाए ना कसम। कसम? अरे भाभी कसम खाए ना। क्या बकवास है ये? चीखे जितना मर्जी चिल्लाए मगर इस जज्बे को मरने मत दीजिएगा जो इतने दिनों बाद जागी है। भाभी प्लीज।
बीबी ड्राइवर आया है। क्यों? वो कुछ देने आया है। ठीक है जाओ। जी ये बैग आप लोग गाड़ी में भूल गए थे। भाभी का है। तुम उनके कमरे में दे आओ ये बैग। मैं? हाँ ये सामने जो कमरा है मैं दिखा देती हूँ। चलो आओ। जी Come in. ये बैग आप गाड़ी में भूल गई। तुम अंदर कैसे आए? आपने खुद ही तो कहा था कि कमिन। अब मैं ही कह रही हूं कि जाओ यहां से। वेलकम। जाओ। सखी कसम कि इमरान को देखते ही आपका दिल नहीं धड़का था। भाभी इस मुस्कुराहट को दबाने की कोशिश ना करें। इसके पीछे छुपी ख्वाहिश ही तो आपकी असल खुशी है। ये क्या हो गया मुझे? ये क्या सोच रही हूँ? या अल्लाह ये इमरान ये क्या हो गया? प्यार। फिर तुमने वही बकवास शुरू कर दी। क्यों कर रही हो तुम मेरे साथ ऐसा? क्योंकि मैं आपके लबों पर मुस्कुराहट देखना चाहती हूँ। ये नामुमकिन है। क्यों नामुमकिन है? आप एक बार जुर्रत तो करके देखें। दुनिया वाले क्या कहेंगे? कुछ नहीं, दो चार दिन फजीते करेंगे उसके बाद चुप हो जाएंगे। खाएं मेरी सर की कसम कि आपको किसी साथी की जरूरत नहीं है। नहीं है, नहीं है मुझे किसी की भी जरूरत। तुम भी जाओ यहाँ से। कुलसो मुझे अकेला छोड़ दो। किसी की जरूरत जान। बोलें क्या बात करनी थी आपने? सादिया तुम तो जानती हो कि मैंने हमेशा तुम्हें बहू नहीं बेटी समझा। तुम्हारी सास अगर जिंदा होती तो वो तुमसे ये बात करती। सुन रही हो ना? जी अब्बा जान मैं सुन रही हूँ। देखो बेटा अभी तुम जवान हो और ये पहाड़ जैसी ज़िंदगी अकेले, मेरा मतलब अकबर के जाने के बाद तुम्हारी ज़िंदगी में क्या बाकी रह गया? रिश्तेदार बातें बनाते हैं, समझते हैं कि तुम्हारी दूसरी शादी की राह में हम रुकावट हैं। मेरे लिए क्या हुक्म है अब्बा जान? बेटा तुम कबीर से शादी कर लो। ये आप क्या कह रहे हैं? कबीर भाई आप ही? बेटा कारोबार जायदाद बैंक अकाउंट कौन देखेगा? और ये कोई अनोखी बात भी नहीं है, खानदानों में अक्सर ये होता है, घर की बात घर में रह जाती है। मगर अब्बा जान मुझे शादी नहीं करनी। क्या? जी मैं इनसे शादी नहीं करूंगी। होश में तो हो तुम? खानदान में किसी की इतनी जरूरत नहीं कि हमारे हुक्म की नाफरमानी कर सके। और तुम कान खोल के सुन लो, कल तुम्हारा कबीर के साथ निकाह है और मैं भी देखता हूं कौन इस शादी को रोक सकता है। Thank you.
कुलसुम, मुझे कभी माफ़ नहीं करना। फिक्र ना करें भाभी, मैं देखती हूँ कि ये शादी कैसे होती है। आपने मुझे इस वक्त क्यों बुलाया? तुम्हें सादिया भाभी कैसी लगती है? क्या मतलब? अगर मैं तुमसे कहूं कि सादिया भाभी से शादी कर लो तो क्या तुम कर लोगे? ये कैसा सवाल है? ये कैसा सवाल है क्या मतलब? इतने भोले ना बनो तुम। करोड़ों रुपए की मालिक है वो, और मेरे मरहूम भाई की बेवा है, पर तुम क्या तुम शादी करोगे? आप मजाक कर रही हैं ना? रात के 2:30 बजे अपने घर में बुलाकर मैं मजाक करती हुई नजर आ रही हूँ तुम्हें? अगर आप संजीदा हैं तो हाँ, सादिया मुझे पसंद है, लेकिन मुझे उनकी करोड़ों की जायदाद नहीं चाहिए। वेरी गुड, ठीक है, तो फिर आज रात भाग जाओ भाभी के साथ। क्या मतलब? क्या मतलब, भागोगे कि नहीं भागोगे? भागूंगा। तैयार हो कि नहीं? बोलो ना। हाँ, मैं तैयार हूँ। परफेक्ट, तो तुम यहाँ पे चुपो और मैं आती हूँ बस। यहाँ ये क्या कह रही हो तुम? वही जो आपने सुना है, भाभी आपको इमरान से शादी करनी होगी। नहीं तो फिर कबीर भाई से करेंगी? हरगिज नहीं। इमरान आया हुआ है? कहाँ है? बाहर है भाभी। इस बैग में मैंने सारे पेपर्स, कैश, ज्वेलरी सब कुछ डाल दिए। भाभी आप इमरान के साथ चली जाइए प्लीज। तुम चाहती हो मैं घर से भाग जाऊं? इसके अलावा और कोई चारा भी तो नहीं है? हरगिज नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं ये कालक अपने मुंह पर नहीं पोंछ सकती। ठीक है, आपकी मर्जी। कल कबीर भाई के साथ आपका निकाह हो जाएगा और आपके सारा बैंक बैलेंस और जायदाद पर कब्जा कर लिया जाएगा। मुझे इसकी परवाह नहीं है। भाभी एक बार फिर सोच ले, कहीं ऐसा ना हो कि कल को आपको पछताना पड़े कि मनपसंद लड़का भी था, वक्त भी था और मेरी जैसी मददगार भी, लेकिन आपने जुर्रत नहीं की। भाभी जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है, जी ले अपनी मर्जी से। जाए प्लीज भाभी, प्लीज। नहीं ठीक है, मैं इमरान को कह देती हूँ कि वो वापस चला जाए। कुलसुम, तुमने इमरान से बात की है? वो तैयार है। मैं भी तैयार। बहुत बुरा किया तूने कुलसुम, सादिया को भगवा कर तूने बहुत बुरा किया, और अब अपनी इस हरकत का अंजाम भी देख ले। मैं लालच कर बैठा, नाजायज तौर पर अपनी बहू का माल खाने की कोशिश की मैंने, मुझ पर शैतान आ गया था। मैंने अपनी हीरे जैसी बेटी को भी जान से मार दिया। मेरा अल्लाह मुझे माफ करे, मुझे माफ करे। Oh.
इस कहानी का एक अंजाम अभी आपने देखा। अगर इस आयत खुदावंदी पर अमल किया जाता तो इस कहानी का अंजाम कुछ यूं भी हो सकता था। अब्बा, ये क्या कर रहे हैं आप? कभी मैं अब्बा ये नहीं करें। अब्बा प्लीज ये नहीं करें। अब्बा प्लीज ये नहीं करें। प्लीज अब्बा प्लीज ठीक किया कुलसु, मैं लालच में आ गया था, ये भूल गया था कि मेरे अल्लाह का हुक्म है कि बीवा का निकाह करवा दिया करो, उनका हक ना मारा करो। तूने मुझे गुनाह अजीम से बचा लिया कुछ, गुनाह अजीम से बचा लिया। मेरे अल्लाह मुझे माफ कर दे, माफ कर दे मेरे अल्लाह। ऊपर वाला बहुत रहम दिल है, उस सबको माफ कर दे रहे। आयत कुरान का।